कारवादी नेता हसन रूहानी दोबारा ईरान के राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हसन रूहानी को जीत पर बधाई दी है। भारत के साथ पिछले साल चाबहार पोर्ट समझौते में हसन रूहानी ने अहम भूमिका निभाई थी। امروز ایران سربلندتر از هر زمان دیگر آماده گسترش روابط خود با جهان بر پایه احترام متقابل و منافع ملی خود می باشد. 68 سال کے حسن روحانی ایران کے دوسری بار راشٹرپتی چنے جانے کے بعد منچ پر آئے تو دنیا کے لیے ایک سندیش بھی ساتھ لائے। ईरान की राजनीति में उदारवादी चेहरे के तौर पर पहचाने जाने वाले रूहानी के लिए जीत आसान नहीं थी। उन्होंने ईरान के कट्टरपंथी प्रतिद्वंदी इब्राहिम रईसी को बुरी तरह हराया तो कट्टरपंथियों और इराक जैसे देशों के लिए एक संदेश भी दिया है। इंतखाबात में बे हमसायगान व मंतगे एलाम कर्द कि राह तामीन अमनियत दर इन मंतगे तक़वियत دموکراسی و مردم سالاری و احترام به آراء مردم است। ایران کے راشپتی چناؤں میں حسن روحانی کو کل 4 کروڑ متوں میں سے 2 کروڑ 30 لاکھ یعنی 57% ووٹ ملے ہیں، جبکہ ان کے ویرودھی امیدوار ابراہیم رئیسی کو 1 کروڑ 15 لاکھ ووٹ ملے ہیں। ایران میں راشپتی چناؤں کے لیے 70% متدان ہوا تھا جس میں مہیلاؤں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا। 68 साल के हसन रूहानी सुधार और परिवर्तन का नारा देते हुए 2013 में पहली बार ईरान के राष्ट्रपति बने थे। 4 साल बाद ईरान की जनता ने उन्हें दोबारा चुना है। पीएम मोदी ने हसन रूहानी को जीत पर बधाई दी है। पिछले साल मई में जब प्रधानमंत्री मोदी ईरान यात्रा पर गए थे तब हसन रूहानी ने पीएम मोदी का बेहद गर्मजोशी से स्वागत किया था। पीएम मोदी ने भी रूहानी को खास तोहफा दिया था। 18वीं सदी में फारसी में लिखी रामायण। रूहानी और मोदी की कोशिश से ही भारत और ईरान के बीच चाबहार पोर्ट समझौता हुआ था। हसन रूहानी को दोबारा ईरान की कमान मिलने के बाद भारत ईरान के संबंध और मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है। यह है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।